चावल और दाल को ले लिया है, तो चलिए मैंने निकाल लिया चावल दाल, तो इसकी बनाते हैं खिचड़ी। तो चलिए इसे वॉश कर लेते हैं। खिचड़ी मैंने वॉश कर ली, तो चलिए मैंने कुकर रख दिया है, तो चलिए इसमें ऐड कर देते हैं घी। घी गर्म हो जाए तो मैंने जीरा ले लिया है। घी गर्म हो गया तो इसमें हम ऐड कर देंगे जीरा, इसके साथ इसमें हम थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक। हल्दी को पक जाने देते हैं, तो इसमें हम ब्रेड ऐड कर देंगे राइस। इसमें राइस ऐड कर देंगे, तो इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे। हल्दी एंटीबायोटिक होती है, तो हल्दी मैंने ऐड कर दी है। चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा भून लेके और पानी डालते हैं। तो मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो चलिए इसमें हम 2 गिलास पानी डाल देते हैं। ऐड कर देंगे पानी। तो कुकर कर देंगे बंद, हमारी खिचड़ी हो जाएगी तैयार। तो मैंने कुकर बंद करके रख दिया है, जब सीटी बजेगी तो खिचड़ी हो जाएगी। तो सीटी बजने वाली है, तो खिचड़ी तैयार हो जाएगी सीटी बजेगी। तो खिचड़ी बन गई, गैस को कर देते हैं बंद। तो खिचड़ी होगी तैयार।